एवरीवन, वेलकम टू वंडर रोब्स। मैं गौसिया अरशद। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोंचो के बारे में बात करेंगे। पुराने शॉल या सूट वाली शॉल के साथ शॉल को लपेट के ओढ़ने में बहुत परेशानी होती है, या आप मार्केट जाइए तो मार्केट में भी आपको पकड़ना पड़ता है, या बैग पकड़ने में या कोई सामान लेने में बहुत परेशानी होती है। तो अगर हम उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोंचो में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं उसको, और हैंड फ्री करके उसको ओढ़ते हैं पोंचो के स्टाइल से, तो वो काफ़ी हाथ फ्री भी हो जाता है, वो स्टाइलिश भी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसको डिफरेंट टाइप्स से कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पैसे पहले सूट चलता था सेट वाला, ये दो सूट मेरे पास है, उसकी मैं दो शॉल निकाल ली हूँ। तो अब शॉल को लपेट के ओढ़ने का नहीं है, उसको पोंचो बना के आप स्टाइल करके ओढ़ सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ये है ग्रीन और दूसरी ये है, इसमें ब्राउन कलर के नीचे वर्क है, बॉर्डर है और नीचे प्लेन है, और इसमें ये फुल है। तो अगर आप पोंचो बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा स्टाइलिश होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि पोंचो कैसे बना सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये शॉल की पूरी लेंथ आ गई, पूरी लंबाई है ये, और ये वृद्ध है। तो इसे मैं फोल्ड की और फोल्ड करके इसे लेंथ वाइज फोल्ड करना है, लेंथ वाइज फोल्ड करके इसे फिर टू फोल्ड में फोल्ड किए। अब इसे वन फोल्ड छोड़ देंगे, ये ऐसे निशान लगा के 1 इंचेस इधर निशान लगाना है और 1 इंचेस इधर निशान लगाना है। अब मैं इसे खोल रही हूँ, खोल के ये पीछे का एज इट इज़ ऐसे ही रह जाएगा जैसे है हाफ शॉल। और हाफ शॉल में आपको इसे, क्योंकि नेक के पास ये टाइट नहीं हो, नेक के पास थोड़ा सा लूज रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 इंचेस 2 इंचेस यहाँ पे कट करना ज़रूरी है। लेकिन इसकी नीचे कटिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से ये आप 4-5 इंचेस इसमें लेंगी, उसके बाद ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये यहाँ से कट होगा और ये यहाँ से कट होगा और ये बीचों बीच कट हो जाएगा। क्योंकि ये नेक में 7 इंचेस तक आप कर सकती हैं, क्योंकि 2 इंचेस पीछे चली जाएगी, 5 इंचेस आगे आ जाएगी। 7 इंचेस से ज़्यादा आप इसको यहाँ पे स्लाइड नहीं कर सकती हैं, तिरछा नहीं कर सकती हैं। अब मैं इसे कट कर दूँगी यहाँ तक, और यहाँ की कटिंग कैसे करूँगी, इसे फोल्ड करके, मैं दोनों साइड इक्वल आए इसलिए मैं यहाँ से तो ये मैंने कट किया इस तरीके से, और इसे यहाँ से फोल्ड करके एक साथ आप दोनों को यहाँ से कट करके इधर कट कर लीजिए। ये इस तरीके से कट हो गया, और यहाँ से आप बराबर रखें, यहाँ पे आप चाहें तो आप चेन लगा सकती हैं या बटन लगा सकती हैं, शो बटन लगा सकती हैं या ओपन भी रख सकती हैं। और इसमें आप गर्म होने के लिए आप इस पर 9 इंचेस पे आप यहाँ तक इसे सिल भी सकती हैं यहाँ से। अब जैसे आप ये है, आपको सेट होने के लिए यहाँ पर मैं 7 इंचेस लेती हूँ, लेकिन 7 इंचेस के जगह मैं 9 इंचेस लेके यहाँ पे 9 इंचेस पे मैं एक लूँगी शोल्डर पे, और शोल्डर पे लेके यहाँ से ये, तो मैं ये इसे नहीं सिलूंगी, मैं इस चीज़ को सिल दूंगी। इसको सिलने से यहाँ से ये पूरा नहीं खुलेगा, आप चाहें तो आप इसे भी सिल सकते हैं, यूँ सिल के यूँ सिल दीजिए, यूँ इसे भी सिल सकते हैं, नहीं तो बस यहाँ पे एक सिलाई लगाने से ये यहाँ से सेफ हो जाएगा और यहाँ से गर्म रहेगा और ये लटकता रहेगा, ये भी और ये बीच से ये खुला रहेगा। ये आप चेन लगा सकते हैं, जो कुछ भी लगा सकते हैं। Thank you.
आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।